निशा कैसी है डॉक्टर साहब? पहले से काफी बेहतर है। हाँ, लेकिन इन्हें कुछ दिन और आराम करना पड़ेगा, और इनकी डाइट जरा स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। ये चलने फिरने लायक कब हो जाएगी? यही करीब एक हफ्ता लगेगा, अभी काफी वीकनेस है। हफ्ता? अरे आप तो नामी और कमाल के डॉक्टर हैं। मेरी बेटी के कैरियर का सवाल है डॉक्टर साहब, कल इसका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अगर कैरियर की शुरुआत में कैंसिल होने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो प्रेस वाले बदनाम कर देंगे, कहेंगे पिक्चर शुरू होने से पहले ही इसके नखरे हैं इतने। आप ही कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, विटामिन के कुछ दो चार इंजेक्शन लगा के दुरुस्त कर दीजिए मेरी बेटी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे राजन जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। She will be all right. और हाँ, शाम को आके इंजेक्शन भी दे जाऊंगा। ओके, ठीक है, आइए चले। मेरा बैग मैं ले आती हूँ। ओके, थैंक यू, आइए। कैसा बाप है, बेटी की सेहत की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो उसके करियर की, स्टारडम की। अपने आप को इतना बेबस और हेल्पलेस महसूस करती हूँ मैं कि मम्मी, काश मेरे एम्बिशंस और पापा के एम्बिशंस एक ही होते, काश मैं भी वो सपना देख पाती जो पापा मेरे लिए देख रहे हैं, फिर आपको इतनी तकलीफ कभी नहीं होती मेरी वजह से। बेटा, गलती तो मेरी है, हिम्मत तो मुझ में होनी चाहिए थी तेरे सपनों को सच करने की, लेकिन आज मेरी खुद की सिचुएशन ऐसी है कि नहीं। मामा प्लीज, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मजबूर तो हम दोनों ही हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है, जिस बेटी को मैंने इतने लाड प्यार से बड़ा किया था, आज इतनी बेबस हूं कि उसे जरा भी सहारा नहीं दे पा रही हूं, और तुम्हें मेरे साथ ऐसे कैद में छटपटा था देख के, तो संदीपन, ये मॉडल्स की फोटोग्राफ्स क्लाइंट्स के पास अप्रूवल के लिए पहुंचा दो। और पार्टी बॉयज के अकाउंट का क्या हुआ, कितना काम बाकी है? सर, 2-3 दिन का वक्त और लगेगा, फिर बिल के साथ सबमिट कर दूंगा सर। जितनी जल्दी हो सके कर देना। गुड आफ्टरनून सर। अरे राज, हाय, तू यहाँ क्या कर रहा है? सामने वाले ब्लॉक में मेरे एक एसोसिएट का दफ्तर है, वो हमारे दिल्ली वाले ऑफिस से लाइजन वर्क करता है, उससे मिलने आया था, सोचा तुमसे भी मिलता चले। गुड। और संदीपन क्या हाल है? फाइन, कुछ कॉफी शॉफी पिलवा रहे हो? श्योर। एक पॉट कॉफी अंदर भेज रहा। और तेरा क्या हाल, रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बाद तो ईद का चांद हो गया, दिखता ही भाई। इस सब का क्रेडिट मेरी इंदू और तुम्हारी सोनिया को जाता है। दैट रिमाइंड मी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों भाई, मेरी क्या खता है? सबसे बड़ी खता यह है कि तुमने हमारी दोस्ती और मुझे भुला दिया है। पर मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूँ, माना कि तुम हमारी दोस्ती को बहुत ही कैजुअल समझते हो, पर मेरे लिए ये बहुत अहमियत रखती है। ओहो, तू आगे भी बढ़ेगा कि स्टक रिकॉर्ड की सुई की तरह वहीं अटका रहेगा? यार, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं, मैं इतना पराया हो गया हूँ तुम्हारे लिए। इंदु से मुझे पता लगा कि हाल ही में तुम्हें बिजनेस में बड़े सेटबैक्स हुए, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। राज देख, बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं ना, और फिर मैं तुझे बिला वजह परेशान क्यों करता? चुप रहो यार, ऐसे समय में दोस्त काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे, दोस्ती किस काम की? खैर, मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया तूने? यही कि मैं अपनी पिछली एड एजेंसी से अपना अकाउंट वापस ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त उनसे बेहतर एडमैन है, अब तुम मेरी कंपनी का एड अकाउंट हैंडल करोगे। कम ऑन यार, अब तो खुश हो जाओ, ये कोई छोटा मोटा अकाउंट नहीं है, मेरी कंपनी का एनुअल एड बजट 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़? दिस इज ग्रेट सर, एब्सोल्युटली टेरिफिक, इससे बेहतर हमारी कंपनी के लिए और क्या हो सकता है? तो भाई मुंह मीठा कराओ, कुछ मिठाई विठाई खिलाओ, तुम्हारे ऑफिस में स्वीट्स वगैरह है या नहीं? कुकीज है सर, मंगवाओ। नहीं नहीं, मैं निकलूंगा और हमारी कंपनी का पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर तुमसे आकर मिलेगा, बाकी बातें उससे कर लेना। अरे ये भी कोई तरीका है राज, ये मुझे सोचने का मौका दो कि मैं तुम्हारा अकाउंट हैंडल करने के कैपेबल भी हूँ या नहीं। देखो, मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कभी कोई अकाउंट हैंडल नहीं किया, मुझे 2-3 दिन सोचने का मौका तो दो। ठीक है, तुम्हें जितना सोचना है सोच लो, वक्त तुम्हारे पास है, लेकिन मेरी कंपनी का एड अकाउंट तुम हैंडल कर रहे हो। Is it clear? मैं चलता हूँ, चलो।
ओके बाय बाय। ओह भाई, कभी कभी तुम्हें इस तरह से गधा मजूरी करवाते हुए मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। सोचता हूँ ऑफिस की कैंटीन में ही खा लिया करूँ। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की। चलो बैठ जाओ। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे लंच पर आने का ही तो इंतजार रहता है मुझे, और कुछ करने को है ही नहीं। चलो खाने को। अरे तुम इंदु की तरह कुछ काम वाम क्यों नहीं शुरू कर देती हो? तुम उसकी बहन हो, आखिर सक्सेसफुल होना तो तुम्हारी जीन में होगा ही। हाँ, सुना है आजकल इंदु की खबरें बड़े जोर शोर से छप रही है अखबारों में। आज के आफ्टरनून डेली के सेंटर स्क्वायर पे छपी है उसकी खबर, मालूम है? आज के नहीं, कल के। कल के? अखबार वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, बासी अखबार देके जाता है मुझे। दीदी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, बहुत नाराज है तुमसे। क्यों 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 की तुमने मेरी शिकायत उनसे? हाँ, काश शिकायत का मौका देते तो कम से कम तुम्हारे बारे में खुद पर खुद गॉसिप करते हुए बिजी रहते थे। तुम्हारे जाने के बाद ये दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं। चलो ऐसा करते हैं कि अमेरिका चलते हैं, वहाँ बहुत सारी फर्टिलिटी क्लिनिक्स भी हैं। लेकिन भाई ये इंदु क्यों नाराज है मुझसे? हाँ, इस बंदे ने क्या खता कर दी? हाँ, तुम वही चलकर शाम को पूछ लेना। नॉट अ बैड आइडिया। हाँ, तुम इंदु से कह देना कि अपने रेस्टोरेंट का बचा कुचा लेफ्ट ओवर मेरे लिए लेती है। हाँ, ये तो हर समय भूख लगती रहती है। चलो फटाफट खाना खा लो, इधर दोबारा गर्म करना पड़ेगा। अटैक। नहीं किया। तुम काम में मसरूफ थी ना, इसलिए। खैर कोई बात नहीं, शुक्रिया। आप चाय पियेंगे? चाय नहीं, नहीं चाय। ये साड़ी बड़ी खूबसूरत है। आपके सामने ही पहन करने के लिए किसी ने? नहीं, मैंने मैंने नोटिस नहीं किया। वैसे बहुत जच रही है तुम्हारे ऊपर। And these earrings, they're very beautiful. आप ही ने तो लाकर दिए थे, हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी पर। मुझे याद नहीं, तुम्हारी याददाश्त बड़ी अच्छी है, आज तक तुम्हें याद है। आज तुम्हें हो क्या गया? क्यों, मेरे कॉम्प्लीमेंट सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही? नहीं, हो रही है, लेकिन सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे मेरा ठीक ना होना बड़ी जल्दी भांप जाती हो तुम। रवि, आप बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी वीकनेसेस का कुछ ज्यादा ही अंदाजा होने लग गया है तुम्हें आजकल। तुमने मेरे बारे में राज से बात की थी? राज से? क्यों? क्योंकि वो मेरे ऑफिस आया था, उनसे ये सुनकर कि मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। बल्कि उसने मुझे कुछ एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किए। तुमने बात की थी ना उससे मेरे बारे में? रवि, उसने बात छेड़ी तो मैंने बता दिया। वो अच्छा दोस्त है हमारा, और सुनो लेटो से पता चल ही जाता ना। क्यों, ऐसा कौन सा सड़क पर आ गया हूँ मैं? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या गुनाह किया है मैंने? उसने पूछा, मैंने बता दिया, बस। मेरी कंपनी खुद की बदौलत चल सकती है, मुझे और मेरी कंपनी को राज की और तुम्हारी इंटरवेंशन नहीं चाहिए। और ये मेरी हालत का ढिंडोरा दूसरों के सामने पीटना तुम बंद कर दो, और उस राज से कह दो कि नहीं चाहिए मुझे उसकी खैरात। रवि, मैंने उससे नहीं कहा था कि अपना काम आपको दे दे, मुझसे ज्यादा वो आपका अच्छा दोस्त है, जो कहना है खुद जाकर कह दे। हाय। ओ हाय, आई थिंक हम दोनों ने आपको डिस्टर्ब किया, बाद में आ जाते हैं, इसी शहर में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम लोग कैसे? वैसे आप दोनों बहुत बड़े शोमैन हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लाइफ जरा सी इवेंटफुल होनी चाहिए ना। क्या रवि, चलो हम किचन में जाकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं।
वाह दैट वुड बी ग्रेट। तुम्हारी बहन की बस यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ अच्छा था? और रवि भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, जस्ट अ लिटिल स्ट्रेस्ड। हाँ मैं देख रहा था, अभी वही इनेक्ट हो रहा था ना। पता रवि भैया मैं क्या करता हूँ, जब जब मेरे ऑफिस की टेंशन मेरे साथ घर पर आने लगती है तो मैं अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ और उससे कहता हूँ कि किसी एग्जॉटिक लोकेशन पर एक वीकेंड बुक कर दे, एंड वी कम बैक फुली रिचार्ज्ड, ताकि मैं जिंदगी की रैट रेस में फिर से दौड़ सकूं। Though I'm not a rat. वैसे आप और इंदु पिछली बार हॉलीडेज कब गए थे? पता नहीं, अच्छा हो गया। I think it's a high time for you to take a break. आप कहें तो मैं अपने ट्रैवल एजेंट से बात करूं, अच्छा खासा डिस्काउंट दिलवा दूंगा आपको। तुम्हारी बात में दम तो है। तो फिर फोन करूं? I'm sure it would do good for you and Indu. Yeah, why not? Why not? ये उसका स्टाइल होएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? बुआ जी नमस्ते, राज बोल रहा हूँ। इंदु है घर पे? इंदु? इंदु मेरा मतलब सोनिया। सोनिया से बात कर सकता हूँ मैं? सोनिया घर पे नहीं है, अपनी बहन के साथ बाहर गई है। बुआ दादी, मामा तो मासी के साथ अंदर किचन में है। मालूम है। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? क्या करती, बुला लेती सोनिया के साथ गप्पे लड़ाने। बुआ दादी ये क्या कह रही हैं आप? मुझे क्या जरूरत है छुपाने की, जब से तेरा ये राज अंकल आया ना, जिंदगी हराम कर दी मेरे रवि की। 24 घंटे बुआ चिपका रहता सोनिया से, चैन नहीं है इसे बिल्कुल। सोनिया घर आई नहीं कि फोन खड़खड़ाना चालू, खुद तो दोनों खी खी करके हंसते रहते हैं, पर बेचारे रवि के चेहरे से हंसी गायब कर दी, रंग पीला पड़ गया बेचारे का। पराए मर्द के साथ अखबार में फोटो छपती है तेरी माँ, इस घर में उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आपके राज का फोन आया था। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? और आपने अपने तरीके देखे हैं? यूं तो आप घर के बाहर रहती हैं और जब घर पे होती हैं तो आपके फोन जाते हैं, आपके पास और किसी के लिए टाइम है कि नहीं? ये कैसे बातें कर रही हो तुम? मासी प्लीज यू स्टे आउट ऑफ दिस। मैं मामा से बात कर रही हूँ जो हर रोज मेरे पापा को कोई ना कोई शॉक देती रहती है, कभी इमोशनल तो कभी फाइनेंशियल सेटबैक्स। व्हाई कांट यू बी लाइक अदर मदर्स? बिकॉज आई डोंट हैव टू। ओ, चाहे इसकी वजह से पापा को या इस घर को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। डोंट क्रॉस योर लिमिट आयशा, तुम्हें मुझसे और मासी से इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि मैं भी इस घर में रहती हूँ और आपकी बातें मेरी भी कानों पर पड़ती हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको सक्सेस चाहिए ना, तो चाहे इसके लिए आपको इस घर की भी आहुति देनी पड़े। एक बात याद रखना आयशा, मैंने जो कुछ भी अचीव किया है वो मेरे पति की वजह से अचीव किया है, उनके ट्रस्ट और उनके कॉन्फिडेंस की वजह से। उन्हें गॉसिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, चाहे मेरी औलाद मुझ पर भरोसा ना करे, लेकिन वो हमेशा मुझ पर यकीन करेंगे। और तुम एक बात भूल रही हो, तुम आज जाकर 18 साल की हुई हो, मैं तुम्हारे पापा को 23 सालों से जानती हूँ, और इसलिए उनके और मेरे रिश्ते की गहराई तुम्हारी उम्र और तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आइंदा से ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गो टू योर रूम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संदीपन। संदीपन मैं खटमंडू जा रहा हूँ। एनी न्यू क्लाइंट सर? नहीं, छुट्टी के लिए। पर सर। पर कुछ नहीं, आई हैव मेड अप माय माइंड, और तुम्हारे जैसे रिलायबल और ट्रस्टवर्दी आदमी के हवाले मैं अपना ऑफिस छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम पर मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सर। यू वेलकम। मैं अपने फोन नंबर तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा संदीपन, लेकिन तुम मुझे फोन सिर्फ इमरजेंसी में करो। इज दैट क्लियर? आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब। बात इतनी दमदार है कि मैं लेडीज फर्स्ट की फॉर्मेलिटी को भी फॉलो कर देता हूँ। सुनोगी तो तुम उछल पड़ोगे। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है अभी कि हमारा रेस्टोरेंट देश के टॉप 10 रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में फीचर करने वाला है। नहीं, इससे पहले कुछ फॉर्मेलिटी हैं जो फॉलो करनी है। कैसी फॉर्मेलिटी? कुछ छानबीन होगी, कुछ तहकीकात होगी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ होटेलियर्स एंड रेस्टोरेंटियर्स के ऑफिसर्स यहाँ आएंगे। हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस हफ्ते हमें हर वक्त रेस्टोरेंट में रहना होगा, और इफ यू ट्राई हार्ड नोबडी कैन टेक अवे दिस ऑनर फ्रॉम अस।
क्या बात है, तुम इतनी चुप क्यों हो गई? अरे अगर तुम साथ में हो तो नो फोर्स इन द वर्ल्ड कैन डिनाय दिस ऑनर। राज, मैं रवि के साथ कल छुट्टी पर जा रही हूँ। क्या छुट्टी पर? अगर तुम चली जाओगी तो यहाँ क्या होगा? छुट्टी पर ही जाना है तो अगले हफ्ते चले जाना। नहीं, मैं ये छुट्टी किसी भी हालत में पोस्टपोन नहीं कर सकती। तुम जानते हो मेरे और रवि के बीच क्या तनाव है। ये छुट्टी हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत अहम है राज। आई कांट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। और हमारा रेस्टोरेंट, तुम समझ नहीं रही हो कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरा घर मेरी प्रायोरिटी है, उसके बाद सब कुछ। और मैं अपने करियर को मेरे और रवि के बीच नहीं आने दूंगी, बिल्कुल नहीं। इंदु, प्लीज प्लीज डोंट वीकन माय रिजॉल्व राज। हेलो, I'm so excited मॉम। हम लोग कितने दिनों के बाद इस तरह से हॉलीडे पे जा रहे हैं ना एक साथ। फन, कितने मजे करेंगे। मॉम, I'm really sorry, कल मैंने आपके साथ बहुत रूडली बात की। इट्स ओके, तुम्हें रियलाइज हुआ है ना, काफी है। थैंक्स मॉम, थैंक्स फॉर सेइंग यस फॉर द हॉलीडे। अगर मैं कहूँ कि ये छुट्टी का आइडिया मेरा है तो विल यू बिलीव इट? रियली? मॉम, यू सो स्वीट। ओहो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये रहे आपके फ्लाइट के टिकट। थैंक्स। फ्लाइट दो घंटे बाद की है। लेकिन रवि जी कहाँ हैं? पापा एक आखिरी मीटिंग अटेंड करके आते ही होंगे। ओह, थिंक ऑफ द डेविल एंड एंजल इज हियर। सी, आई इवन चेंज द फ्रेज फॉर यू। मैंने आपके सारे कपड़े पैक कर दिए। मुझे नहीं लगता कि हम इस ट्रिप पर जा पाएंगे। क्या? हाँ बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आ गई। फोन आने वाला है कल, हो सकता है ये अकाउंट मुझे मिल जाए। गुड, मैं खाना लगाती हूँ, आप चेंज कर लीजिए। ओके। हेलो हेलो रवि, क्या हुआ? वही जो तुम चाहते थे, हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। थैंक्स अ लॉट यार, इसे कहते हैं आड़े वक्त में काम आना। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू यार। उसकी कोई जरूरत नहीं है। और सुनो राज, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ सोनिया की खातिर कर रहा हूँ। फिर भी यार, थैंक्स अ लॉट। आज के बाद राज, अगर तुम्हें मेरी सोनिया के साथ कोई भी जरूरी काम होगा तो उसके साथ साथ तुम्हें मेरी परमिशन की भी जरूरत होगी।